शांति ओम शांति ओम पुण्य सिमृति मास चल रहा है और हम सभी के प्राणेश्वर प्यारे प्यारे विशेष साकार ब्रह्मा बाप की स्मृतियाँ हम सभी को मन वचन कर्म से उनके चरित्र का जो साक्षात्कार कुछ बच्चों ने प्रैक्टिकल किया है कुछ बच्चों ने अनुभव किए हैं कुछ बच्चों ने पढ़ा है और कुछ एक ने सुना हुआ है कि साकार ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की साक्षात मुहूर्त थे और ये हकीकत है मैं जब नई नई इस ज्ञान मार्ग में आई तो शिव बाबा का भी परिचय मिला था और ब्रह्मा बाबा का भी परिचय मिला था परंतु शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ये दोनों अलग अलग हस्तियां हैं ऐसा कभी भी बुद्धि में नहीं आया क्यों नहीं आया इसका कारण क्या था कारण यही था कि ब्रह्मा बाप के हर कर्म में चाहे वो मनसा कर्म चाहे वाचा कर्म चाहे कर्मणा में कर्मिंद्रियों के द्वारा होने वाले कर्म सभी कर्मों में एक निराकार पिता परमात्मा की ही स्मृतियों की झलक थी उनको देखकर यही रहा बुद्धि में और ऐसा ही अनुभव रहा कि प्रभु इससे बढ़कर और क्या हो सकता है यही तो प्रभु है तो प्रभु और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा दोनों हमारे लिए एक समान थे ब्रह्मा बाबा ही शिव बाबा थे और शिव बाबा ही ब्रह्मा बाबा थे इन दोनों के बीच कोई भेद नहीं था ब्रह्मा बाबा साधारण होते भी असाधारण हस्ती थी और असाधारण पिता परमात्मा साधारण तन में थे तो इन दोनों का एक ऐसा लीन अवस्था का एक ऐसी स्थिति का अनुभव था कि हमें बाप दादा माना बाबा और इसी अनुभव में हम चलते रहे अब हम कहते हैं ब्रह्मा बाबा का नौवा कदम अब हमें ऐसा लगता है कि जो ब्रह्मा बाबा में विशेषताएं थी उन विशेषताओं को हम अपने में धारण करें क्योंकि हम शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा मुख मुखवंशावली संगम युगी कर्मधारी ब्राह्मण हैं और इसीलिए हमारा अब ये लक्ष्य है कि हमें बाप समान बनना है अब जब बाप शब्द आता है तो उसमें शिव बाबा भी बाप है ब्रह्मा बाबा भी बाप है परंतु शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अपने समान बना दिया अब हम बच्चों को ब्रह्मा बाप के समान बनना है यदि ब्रह्मा बाप के समान बने तो स्वतः ही शिव बाबा के समान भी बन गए अर्थात दोनों बाप के गुण हमारे अंदर प्रत्यक्ष सबको दिखाई पड़ेंगे तो ब्रह्मा बाबा का नौवा कदम क्या था लवलीन स्थिति जिस लवलीन स्थिति से साक्षात्कार होता था जैसे साकार बाबा की शुरू शुरू की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हरेक को ब्रह्मा बाप में कृष्ण के साक्षात्कार होते थे क्यों होते थे कराने वाला कौन था तो वो शिव बाबा थे और यह चौरासीवें जन्म की आत्मा थी श्री कृष्ण तो वह परिचय प्रभु को सभी को देना था और इसलिए ब्रह्मा बाबा ने जब प्रीत की प्रभु से तो ऐसी प्रीत की कि उसने अपने आप को खो दिया और अपने आप को खोकर उसने प्रभु स्मृति में स्वयं को समा दिया तो लवलीन स्थिति को समझना होगा लव माना प्रेम प्यार और लीन स्थिति माना प्रभु के या किसी के भी प्यार में प्रेम में मग्न हो जाना लीन हो जाना जैसे शास्त्रवादी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है इसीलिए आत्मा सुपरमात्मा है परंतु नहीं जब दो के बीच में प्रेम होता है तो वह दोनों एक दो को याद करते हुए एक दो की वह जो उनकी मग्न अवस्था होती है सिमृति की तो उस स्मृति में दोनों एक दो को ही हर प्रकार से हर रीति से हर जगह उनको ही याद करते हैं तो बाबा ने प्रभु को याद किया और इतना याद किया इतना उनकी याद में खो गए कि उन्होंने अपने आप को भुला दिया और जब उन्होंने अपने आप को भुला दिया तो उनके हृदय से यही निकला कि पाना था वो पा लिया तो ऐसा क्या पा लिया तो जिन्होंने प्रभु को पाया स्वाभाविक ही उसने जो भी प्रभु का है वो सब कुछ उसका हो गया और उसने पा लिया अब हम भी सब कुछ पाना चाहते हैं तो ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ पा लिया तो सब कुछ कैसे पाया आप कहेंगे प्रभु की स्मृति में रहे इसलिए पाया लेकिन एक बात प्रेम के विषय में समझनी महसूस करनी अनुभव करनी अति आवश्यक है कि प्रेम का अर्थ भाव और अनुभव और एहसास यही कहता है कि महसूस करो क्या महसूस करो अपना समर्पण भाव सब कुछ उसको सौंप देना यहाँ तक कि अपना अपनापन भी अपने सहित उसको सौंप देना जिसको कहते हैं समर्पण समर्पित तो हो जाना समर्पण इसीलिए कहा गया है प्रेम ये समर्पण है प्रेम समर्पण सिखलाता है जो समर्पित होना जानता है वही प्रेम करना जानता है अब ये प्रेम जो है उस पर यदि सोचें या सोच करके लिखने को बैठे तो बहुत बड़े शास्त्र लिख सकते हैं और हरेक के पास प्रेम की अनुभूतियाँ प्रेम के लिए उनका कहना प्रेम के लिए उनका सोचना प्रेम के प्रति उनकी अनुभूतियाँ हरेक के पास अलग अलग है और अति श्रेष्ठ है अति सुंदर है परंतु कहाँ कहाँ उनसे हटकर देह से संबंधित भी है परंतु उसमें भी यदि प्रेम की विशेषता है तो वो प्रेम भी अमर हो जाता है और यही प्रेम कि जिस प्रेम में सिर्फ एक ही व्यक्ति नजर आए जिसको हम प्रेम करते हैं वही हमारी सोचों में हो वही हमारी नज़रों में हो वही हमारी दृष्टि में हो उसी को लेकर हमारा हर एक को देखने का नजरिया हो वही हमारी वाणी में हो वही हमारे प्रत्येक कर्म में हो स्नेह में हो संपर्क में हो संबंध में हो हम जो कुछ भी करें मन वचन और कर्म से वो उसके प्रति ही हो बस जैसे तू ही तू मैं कहीं भी नहीं लेकिन जिधर देखूं उधर तू ही तू का भाव उनके हृदय में बना हुआ रहे और इसी भावना को सर्वव्यापी कहकर के और शास्त्रों में वर्णित किया गया अर्थात प्रेम की यह सर्वोच्च स्थिति है कि जब हम समर्पित होकर और किसी को प्रेम करते हैं स्वयं को भी मिटाकर, स्वयं को खोकर, स्वयं के अस्तित्व को उसमें समाकर, जब हम प्रेम करते हैं तो हमें कुछ भी नजर नहीं आता बस एक ही वस्तु अस्तित्व या व्यक्ति नजर आती कि जिधर देखू उधर तू ही तू है प्रेम शाश्वत है और यही कारण है मैं आत्मा भी अजर अमर अविनाशी शाश्वत हूं तो स्वाभाविक ही शाश्वत को शाश्वत हस्ती अपनी ओर आकर्षित करेगी और इसीलिए हम प्रभु को सदैव बिना जाने बिना पहचाने याद करते ही आए हमें जब ज्ञान नहीं था प्रभु का परिचय भी नहीं था तब भी हमने प्रभु से प्रीत की प्रभु की प्रीत की रीत निभाई और प्रभु को ऐसी प्रीत की कि भले मुझे नाम का पता नहीं भले मैंने उसका रूप देखा नहीं उसको देखा नहीं उसको जाना नहीं पहचाना नहीं परंतु बिना जानकारी बिना मान्यता मेरे पास उनके गुणों की उनके विशेषताओं की उनके शाश्वत मेरे और उनके बीच के संबंध की एक ऐसी प्रेम की डोरी जिसने मुझे ये अनुभव कराए कि यदि कोई मेरा सच्चा साथी है यदि कोई बिगड़ी को बनाने वाला है यदि कोई दुख हरता सुख करता है यदि कोई हर भीड़ पर हर विघ्न पर हर परीक्षा में हर समस्या में मुझे साथ देकर उगारने वाला यानी उन स्थितियों में से बाहर निकालने वाला कोई है तो वो केवल 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 एक प्रभु ही है तो आप सोचिए हम कितने न सौभाग्यशाली हैं कि आज हम शिव बाबा ने जिस तन में प्रवेश किया और उस साधारण व्यक्ति के द्वारा उस असाधारण शिव पिता ने परमात्मा ने हमें अपना साक्षात्कार कराया हाँ ब्रह्मा बाबा के हर मन वचन और कर्म के कदम से साक्षात्कार कराया कि प्रभु तू कौन है और तू कैसा है तू क्या करता है क्या नहीं करता है तेरे कायदे क्या हैं तेरे नियम क्या हैं तू कौन सी मर्यादाओं में हम बच्चों को पालता है संभालता है और हम बच्चों को देवी देवता समान महान बनाता है तो ये हमारे संगम युगी ब्राह्मणों का बहुत ही बड़ा वास्तव में अवर्णनीय हमारा भाग्य है परंतु वर्णनीय इसलिए कि यदि उसका वर्णन नहीं होगा तो हमारी स्मृति में मुझे जो प्रभु बनाना चाहता है वो हम बन नहीं सकते इसलिए ब्रह्मा बाबा का जो नवा कदम था कि प्रभु में वो लवलीन रहते थे हमने तो प्रैक्टिकल अनुभव भी किया है जो मैं आपको बाद में सुनाऊंगी परंतु लवलीन का यही अर्थ है कि हम प्रभु की यादों में खो जाएं, प्रभु की स्मृति में हम समा जाएं, प्रभु हमें प्यार करे आज तक हम प्रभु को प्यार कर रहे थे हम प्रभु को याद कर रहे थे हम प्रभु का ध्यान धर रहे थे हम प्रभु के लिए तप कर रहे थे परंतु हमारे प्यार की वह चरम सीमा होनी चाहिए जो प्रभु मुझे याद करे प्रभु के ध्यान में मेरी मूरत सामने आए प्रभु मेरा नाम स्मरण करे प्रभु मुझे याद करे और अमृत वेले मुझे अपने सन्मुख बिठाकर मेरे साथ रिहान करे तो हमारी दिनचर्या हमारी दैनंदिनी रोज की दिनचर्या अमृत वेले से लेकर रात्रि के सोने और स्वप्न तक प्रभुमय होनी चाहिए अमृत वेले उठे तो एकदम बाबा की याद में ही उठें तत्पश्चात बाबा को याद करें तत्पश्चात हमारी शिक्षक के रूप में जो पढ़ाई कराई है हम उस पढ़ाई को पढ़ें फिर जो हमें कर्म करते उसकी याद में रहते हुए कर्म करना है या कर्म करते उसे याद रखना है तो हमें कर्म उसकी याद में करने हैं। ताकि हमारा हर कर्म राइट हो बराबर हो श्रेष्ठ हो यहाँ तक कि यदि मैं गलत कर्म करने के लिए कदम उठाने का सोचूं या भूल से भी उठाने जाऊं, तो मेरा वह कदम सीधा हो जाए वो कदम मेरा सुलटा हो जाए वो कर्म मेरा बदल जाए और जो कर्म मुझे करना चाहिए वही कर्म हो मेरी सोच बदल जाए सोचों में वह श्रेष्ठता आ जाए जो ब्रह्मा बाबा की सोच में थी ब्रह्मा बाबा सदैव सारे विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति और विश्व के प्रति कल्याण की ही बात सोचते रहते थे कैसे बच्चों का कल्याण हो कैसे विश्व का कल्याण हो ऐसी ही वाणी निकलती थी उनकी कि हम बच्चे सत्य को समझ लें सत्य का वर्णन करें और फिर ये सत्य कर्म करें कि हम सारे विश्व की सर्व आत्माओं को यह सत्य ज्ञान दें कि परमपिता परमात्मा कौन मैं आत्मा कौन और यह सृष्टि चक्र यानी यह दुनिया उसका भूतकाल वर्तमान काल और भविष्यकाल क्या है कितना समय का यह तीनों कालों का चक्र चलता है और आत्माएं देह को धारण करती हैं अर्थात जन्म लेती हैं देह का त्याग करती हैं अर्थात मृत्यु को प्राप्त करती हैं तो ये जन्म पुनर्जन्म का चक्र जिसको कहते हैं चौरासी के फेरे वो कैसे चक्र लगाती है वो कहाँ से आती है और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कितना समय जन्म पुनर्जन्म लेते हुए अपने पार्ट को एक्टर बनकर निभाती है या नहीं निभाती परंतु स्टेज पर तो रहना ही होता है नाटक में तो पार्ट प्ले करना ही है आखिर वो जाती कब है क्या बीच में जाती है या जब वो चाहे तब वो जा सकती है या नहीं जो भी गहरे गुहय राज है रहस्य है वो सारे गुप्त राज और रहस्य जन्म मरण के प्रभु हमारे सामने खुली किताब रखते हुए हम बच्चों को सुनाते हैं समझाते हैं बताते हैं और किताब भी हमको दे देते हैं कि पढ़िए पढ़ कर के मंथन कीजिए चिंतन कीजिए और फिर अपनी स्थिति को मगन अवस्था में ले जाए तो मनन मंथन और मगन स्थिति परंतु ये तब बनती है जब प्रभु से हमारी लगन लगती है अब लगन कैसे लगे लगन कोई लगाई नहीं जाती जैसे प्रेम है प्रेम किया नहीं जाता लेकिन सभी जानते हो कि प्रेम हो जाता है तो लगन भी अपने आप लगती है हाँ जब नहीं लगती तो लगने के लिए प्रभु ने ही उपाय बताए हैं जब प्रभु से प्रेम नहीं तो उस प्रेम को प्रकट करने के लिए उपाय बताए जाते हैं और वह उपाय हैं कि यदि प्रभु से प्रेम करना है तो जिससे प्रेम होता है उसको पहले तो जानना होता है अर्थात उसका ज्ञान चाहिए जानकारी चाहिए फिर उसको समझना होता है समझने के बाद मान्य करना होता है और जब मान्य करते हैं तो फिर उसको अपनाकर अनुभव करने होते हैं और जैसे जैसे वो अनुभव जीवन में वृद्धि को प्राप्त करते जाते हैं वैसे वैसे हम प्रभु की स्मृति में या उस प्रेमी की याद में अपने को खोते जाते हैं उसके प्रेम में स्वयं को समाते जाते हैं हमारा समय धीरे धीरे दुनिया से निकलकर देहधारियों की बस्ती से निकलकर मित्र संबंधियों से हटकर और उस प्रेमी व्यक्ति से हम जुड़ते जाते हैं वहाँ से हम हटते जाते हैं डिटैच होते जाते हैं और यहाँ फिर हम जुड़ते जाते हैं जितना हम वहाँ से हटते हैं देह के संबंधियों से देह की दुनिया से देह के आकर्षणों से दैहिक दुनिया के आकर्षणों से और दैहिक संबंध और उनकी बातों से जो बातें मुझे उनका बनाए रखने के लिए आकर्षित कर उनकी यादों में रखती है जब हम वहाँ से स्वयं को अलग कर दूर होने लगते हैं हटकर प्रभु के समीप जाने लगते हैं या उस प्रेमी के समीप आने लगते हैं तो ये समीपता हमारी लगन कहलाती है और जितना हम समीप आते हैं हमारी ये समीपता लगन के बाद मगन स्थिति में आना शुरू करती है। फिर हमें वहां के अनुभव बढ़ते जाते हैं देह के संबंधियों की जगह उसके साथ हमारे सर्व संबंध जुट जाते हैं देह की दुनिया के बदली में हमें उसके गुण और विशेषताओं के नजारे अपनी नजरों के आगे उसके रूप के दिखाई पड़ते हैं और उन संबंधों के रस का अनुभव हमें अपने उस स्नेही में प्रेमी में मिलता है जो हमें उसमें समा देता है हम उसमें खोने से लगते हैं और तब वह स्थिति आती है जब हम पूर्ण रूप से स्वयं को खो देते हैं मैं कौन हूं ये भान मुझे भूल जाता है वो भान क्या पहले मुझे देह का भान था मेरे नाम का मेरे रूप का मेरे रंग का मेरे कर्म का मेरे गुण का मेरी विशेषताओं का मेरी पद का मेरी प्राप्तियों का मेरे नाम का मेरे मान का मेरे शान का मेरी जागीर का जो कुछ भी है जिसके गलत नशे में उल्टे नशे में मैं अंधी होकर चलती थी मेरा वो अंधापन दूर होने लगता है अंधकार नष्ट होने लगता है क्योंकि इन सब बातों में मुझे बहुत ठोकरें खानी पड़ती हैं। बहुत दोखों का अनुभव होता है बहुत सारे दगे और दगेबाजों का अनुभव होता है जूठे संबंध और जूठे संबंधों के वर्णनों का अनुभव होता है अर्थात मुखवटे पहने हुओं के मुखवटे उतर जाते हैं और असली चेहरे हमें दिखने लगते हैं और इस दुनिया के अंदर जो भी आकर्षण के पदार्थ हैं चीजें हैं वस्तुएं हैं प्राप्तियां हैं वो सब प्राप्तियां जो स्नेही के द्वारा प्रेमी के द्वारा प्राप्त होती है उसके आगे वो तुच्छ लगने लगती है और उसकी एक स्मृति की झलक ही मेरे हृदय को पूर्ण रूप से भाव विभोर करती है और इस प्रकार मेरी लगन में मग्न स्थिति आगे बढ़ती है आगे बढ़ते 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 वो यहाँ तक बढ़ती है कि वो एक अग्न का यानी अग्नि का स्वरूप लेती है और अग्नि वह चीज है जिसमें सब कुछ नेस्त नाश होता है चीज कोई बचती ही नहीं उसका अस्तित्व तक मिट जाता है तो मेरी लगन में मग्न अवस्था मुझे उस अगन को जगाने में मदद करती है और मेरे अंदर वो लगन की मग्न स्थिति की वो अग्नि प्रज्वलित होती है जिस अग्नि में लास्ट बचता है मैं तो मेरा जो मैंपन का देह भान है और उस देह पर आधारित जितना भी मेरापन है उसका परिवर्तन हो जाता है और वो मेरापन बदल कर जो कुछ भी मेरा है वो तेरा तो मेरा तेरे में बदलता है और फिर जो कुछ तेरा है वो मेरा तो मेरा तो सब कचरा ही कचरा है तो उसका क्या है तो उसका वह गुणों के सागर है शक्तियों के सागर सर्वशक्तिमान है वो विश्व के मालिक हैं वो हम आत्माओं के रचयिता नहीं परंतु परम पिता परमात्मा हैं वो हम सभी के इसीलिए रचयिता कहे जाते हैं कि वो मालिक हैं मालिक है माना वह अपने गुणों से विशेषताओं से और अपनी शक्तियों से और अपने चमत्कारी असंभवित ऐसी अनुभूतियों से हमें वो एहसास दिलाते हैं जो अवर्णनीय है अकथनीय है जिसके लिए कहा गया अत सुख पूछना हो तो प्रभु के गोप गोपियों से पूछो अर्थात गुप्त रूप में प्रेम करने वाली उन आत्माओं से पूछो जिसका वर्णन नहीं होता तो कैसे समझा जाए कि ये प्रभु प्यार में ऐसे खोए हुए लोग हैं कैसे समझें कि ये लगन में मगन अवस्था वाले हैं कैसे समझें कि ये प्रभु को प्यार करते हैं बहुत सिंपल एक मिसाल है जैसे कोई दो मित्र या कोई भी दो व्यक्तियों को ले लो माँ और बच्ची ले लो बाप और बेटा ले लो दो मित्र ले लो दो प्रेमी ले लो या दो पति पत्नी को ले लो यदि उनों का आपस में अति प्यार होता है तो वो जहाँ भी जाएंगे आएंगे उठेंगे बैठेंगे खाएंगे पिएंगे, सोएंगे जागेंगे एक दो की याद में ही सब कर्म करेंगे यहाँ तक कि इस बात का पता हर एक को चलता है उनके कर्मों से क्योंकि उनकी उनका मन उसी के विषय में सोचता है बुद्धि उनके विषय में ही चलती है उनके स्वभाव में वही व्यक्ति घूमती है उनके संस्कारों से उसी ही व्यक्ति के संस्कार दिखाई पड़ते हैं उनके कर्म में वो जो करते जैसे करते वही प्रतिभा नजर आती है वो जो बोलते हैं खाते हैं पीते हैं हर बात में उनकी ही स्मृति देखने वालों को नजर आती है अर्थात वो व्यक्ति में उनके स्नेही की ही स्मृति से लेकर कर्म तक हर बात नज़र आती है और यही कारण है जब वो व्यक्ति कभी हमें अचानक सामने मिल जाती है तो मुख से हम जब खुश होकर के उनको मिलते हैं तो पहले उस व्यक्ति को नहीं पूछते कि आप कैसे हो लेकिन अरे आप अकेले वो कहाँ है तो पहले हम उनके स्नेही को याद करते उनके उस प्रेमी को याद करते क्योंकि उनके प्रैक्टिकल स्वरूप में वो छाए हुए होते हैं उनकी प्रतिभा उनसे प्रभावित होती है तो हमें भी बाप समान बनना है ये पुण्य स्मृति मास हमें कहता है कि हम बाप समान हर कदम पर अपना कदम रखें तो ये हम तभी कर सकते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की हर आज्ञा को जी हजूर जी जी किया ऐसे हम भी प्रत्येक श्रीमत पर जी हजूर जी 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 हाँ जी का पाठ हमारा पक्का हो हम भी मन वचन कर्म से बाबा की याद में रहें और इतना बाबा को हम प्यार करें जो हमारे नैनों से बाबा दिखाई पड़े मुझे कोई क्या देखे उनको बाबा की याद आए अगर एक आत्मा को भी मुझे देखकर बाप की याद आई माना मैं सफल हुई तो मेरी दृष्टि में मेरी नज़रों में वही दिखाई पड़े मेरे हर कर्म में उनको बाप का ही साक्षात्कार हो अर्थात बाप की स्मृति हो और उनको ये प्रेरणा मिले कि बाबा ऐसे करते थे हम भी ऐसे करें और जो बाप समान कर्म करेंगे तो बाप के गुण बाप की विशेषताएं, बाप की शक्तियाँ क्यों नहीं उसमें आएगी जो फिर बाप का साक्षात्कार जो कोई भी उनको चाहे स्थूल नेत्रों से चाहे ज्ञान के नेत्र से चाहे सिमृति से उनको सोचे देखे तो उसे किसकी याद आए बाबा की याद आए वो बाबा में खो जाए बाबा की याद आने से ही उसको बाबा के द्वारा होने वाले उसको अपने विविध अनुभवों की स्मृति हो जाए जो स्मृतियाँ उसको सामने जो स्नेही व्यक्ति खड़ी है वो भी भूल जाए और वो बाबा की याद में खो जाए जो कहना पड़े उसका ध्यान चुटकी बजाकर तोड़ना पड़े कहाँ थे आप कहाँ चले गए किसके पास गए तो वह व्यक्ति यही कहे कि नहीं बस मैं तो मेरे बाबा की याद में थी मैं तो मेरे बाबा के पास थी बस बाबा बाबा और बाबा मैं तू बन जाऊं तू मैं बन जाए मेरा बाबा और मैं बीच में तीसरा कोई नहीं तो जब ऐसी लगन लगे जो उनका मन बुद्धि हृदय मुख नेत्र ये गीत गाए कि मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई और यही कारण है वो निर्बोज हो जाते हैं निश्चिंत तो हो जाते हैं और निश्चय बुद्धि होने के कारण मस्तक चमकता है नेत्रों में बाबा दिखाई पड़ता मुख में भी बाबा 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 उनकी दिनचर्या भी बाप समान होती है कर्म भी बाप समान होते हैं और उसको प्राप्ति की नहीं चिंता होती क्योंकि उसको जो पाना था वो उसने पा लिया इसीलिए मान शान निंदा स्तुति जय पराजय सब से वो दूर हो जाता है यही है न्यारी स्थिति जो स्वयं को भी प्यारी लगती अन्य देखने वालों को भी प्यारी लगती प्रेरणा मिलती और प्रभु को भी इतनी प्यारी लगती कि प्रभु उनको अपने दिल पर बिठा देता दिल तख्त पर बिठा देता और अपने नेत्रों में समा लेता और उन बच्चों को अपनी गोद में रख कर बहुत प्यार करता इतना प्यार करता कि मुझे मेरा मैंपन भी भूल जाता तो ये है प्यारे बाबा का नौवा कदम लगन में मगन स्थिति और मेरा ये प्रैक्टिकल अनुभव कि इस लगन में मगन स्थिति ने मुझे हर पल कई विघ्न आए निर्विघ्न बनाया कई परीक्षाएं आई मुझे उसमें विजयी बनाया कई ऐसे तूफान आए जिसने मेरी नैया को बहुत हिलाने की फिर उसको हिलाकर डुबाने की कोशिश की परंतु खिवैया ने मेरी नाव को पार लगा दिया इसलिए प्यार करें तो प्रभु से करें जो हमारा आधार है सहारा है हम बच्चों के दिल में बाबा एक ऐसा प्यार है जिस प्यार के आगे किसी की भी जीत नहीं तो मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई ओम शांति